गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शाही ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो मैं आज सेमेस्टर के लिए जो है से क्लास दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ। और यह जो है सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास है। तो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो है से इसमें एक बुक है, जिसमें जो है से हमने पहले लेक्चर में जो है से कुछ बात बताया था। अब यहाँ से बिल्कुल आप जो है से सावधान हो जाइए। वैसे क्वेश्चन को हम ला रहे हैं जो आपको सेमेस्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, और कैसे पूछता है, उसका आंसर कैसे देना है, सब आपको समझना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया कि राइट कूलम्स लॉ, कूलम के नियम को लिखिए। तो देखिए, कूलम के नियम को जो है से हमने बताया था पहले लेक्चर में बताया था, तो वो आप लिख लीजिएगा। कूलम का नियम जो है बताया था। फिर देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि कूलम के नियम की सीमाएं और महत्व बताइए। राइट लिमिटेशंस यानी सीमाएं एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो देखिए, इसके बारे में जो है से हम लिख रहे हैं, कैसे इसको लिखना है ध्यान रख दीजिए। चलिए तो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। हिंदी लिखिएगा तो व्याख्या लिखिएगा, अंग्रेजी लिखिएगा तो एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। तो देखिए, इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कूलम के नियम की सीमाएं बताना है। तो देखिए, कूलम का नियम जो है से सबसे पहले जो है से आप क्या कूलम के अनुसार कूलम के नियम के अनुसार नियमानुसार एफ बराबर क्या बताए थे, एफ बराबर हम बताए थे 1/4 pi epsilon Q1 × Q2 / r². तो देखिए, इसमें लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ बराबर दिस, जो लिख दिया। अब इसके बाद जो है से आइए सीमाएं, आइए लिमिटेशंस। यानी सीमाएं, तो देखिए सीमाएं में हम आपको लिख रहे हैं, यहां पर पहला पॉइंट आपको हम दे रहे हैं कि यह बिंदु आवेश के लिए मान्य है। यानी क्या कहेंगे कि इट इज अप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। चलिए, यह हो गया आपका। दूसरा पॉइंट हम क्या कर रहे हैं कि यह दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल है, इट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ऐसे लिख दीजिएगा।
तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह प्रतिक्रिया बल है, यह एक प्रतिक्रिया बल है, इट इज रिएक्शनल फोर्स, यह एक प्रतिक्रिया बल है। जैसे जैसे न्यूटन